आ, सर। बच्चे नमाज पढ़ लो नहीं आई ना अभी आ, पे अच्छा, तो अच्छा, सर अच्छा, हाँ, आजान हो जाए यहाँ हो गई आजान इधर तो हो गई है हाँ हाँ इधर पहले है ना इस्लामा ये आधे घंटे का सर्दियों में कम हो जाता है ठीक ठीक ना जो है ना, उसके शामिल होता है ना। और जिसपेडी लगता है वो वही बस एक आईटम आता है तो उसमें लिखा जाता है ना उसमें वो नहीं होता क्या कहते हैं अगर ये एडजस्टेबल होता है नहीं होता एफ ईडी सॉरी एसवीडी जो है ये एडजस्टेबल होता है या एग्जेम्प्टेड होता है या बस ये ले लिया और बस हुकूमत पे ही देना है बच्चे दो बातें याद रखो ठीक है एक तो जिस तरह हर किसी के अपने-अपने रूल्स है ना सेल्स टैक्स के रूल्स अपने हैं एफडी के रूल्स अपने हैं जो सेल्स टैक्स है उसमें जो डिस्काउंट्स है ना वो अलाउड होते हैं सेल्स टैक्स एक्ट में ठीक है आपने सेल्स लगाना है डिस्काउंटेड वैल्यू पे सेल्स जो लगाना होता है जो होता है एफईडी उस एफईडी के अंदर ये होता है कि डिस्काउंटेड वैल्यू पे एफी नहीं लगता वो जो डिस्काउंटेड के बगैर वाली वैल्यू है उस पे लगता है एफईडी का रेट ठीक है इधर तो बहुत ज्यादा गरज, गरज रहे हैं बात याद रखो बच्चे मैं तुम्हें तो बताता हूं मिक्स ना करना ठीक है एफईडी में डिस्काउंट अलाउड जो होते हैं वो डिस्काउंट अलाउ नहीं होते सेल्स टैक्स में अलाउड होते हैं पहले ये ठीक हो गया सही ये, ये पहला चीक डिफरेंस चीक है चीक दूसरा मेन डिफरेंस जो है बच्चे वो होता है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट ठीक है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट का मतलब ये है कि आप सेल्स टैक्स में इनपुट जो है वो 90 परसेंट अपोर्शन हो, हो आप, आ, कर अच्छा, तो रहा है 60 परसेंट अपोर्शन हो रहा है आप गुड्स या उसके अगेंस्ट अपोर्शन कर आवाज रहे कट रहा है सर सेल टैक्स में इनपुट अच्छा मैं लैपटॉप साइड पे करता हूँ बच्चे सेल टैक्स आवाज कट रहा है हाँ अब देखो आवाज आ रहा है बच्चे जी जवाब आ रहा है सेल्स टैक्स के अंदर जो इनपुट है बच्चे वो आपने पढ़ा है कि इनपुट नाइन्टी परसेंट आप एडजस्ट कर सकते हो जी जी आपने ये पढ़ा है कि अगर पीओएस के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है तो सिक्सटी परसेंट आप इनपुट ले सकते हो बाकी चालीस परसेंट आप इनपुट नहीं ले सकते तो होगा क्या कि जो रिमेनिंग फोर्टी परसेंट है वो आप बाद में एडजस्ट करोगे या रिफंड ले लोगे या एडजस्ट हो जाएगा आपका एफ में

हाँ 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 जैसे बैंक में एटीएम कार्ड या कोई कमीशन वगैरह आ जाती है चार्जेज होते, है, तो है। होते हैं तो उसपे भी एफडी लगता है चार्जेस जितना होता है उनका सिंध का तेरह परसेंट है और अपना पंजाब या सोलह परसेंट है एफईडी हाँ? मैं कह रहा हूँ सर बैंक में जो कमीशन वगैरह होती हैं या जो एटीएम कार्ड बन गया चेक बुक बन गया इस पे कमीशन पे थर्टीन परसेंट लगता है सिंध का सिंध का एफईडी और पंजाब में जो लगता है वो लगता है सोलह परसेंट कमीशन पे ठीक है जो तो चार्जेस होती है हाँ उस पर लगता है ठीक है हाँ हाँ तो इसका स्कोप जो है वो थोड़ा बताइएगा कि कहाँ कहाँ तक है कि बच्चे वो जिस तरह तुमने तुमने देखा होगा एफ ई टी वो जिसे कह लो कि मैं तुम्हें इधर से दिखाता हूँ डाउनलोडेड पड़ा होगा एफडी अभी ये अमेंडेड भी आ गया 2023 वाला ये शायद यही है आह 22 अगर 2022 शायद ये है अब बच्चे तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है नहीं sir ओर मुझे देख मैं अभी आ जाएगी तो मुझे बताना अब नजर आ रही है कितने जरूर इसमें भी टेबल है ना बच्चे 101 पेजेस हम्म ये बच्चे ये जो आ रही है ना कंसंट्रेट्स फॉर एडिट बेवरेजेस इन ऑल फॉर्म्स टू डी सीरीज ऑफ वाटर्स एक साइजेबल गुड्स हैं मतलब इन पे ड्यूटी लगा करती है टोबैको पे लगा करती है पे टोबैको मिक्सर पे सिगरेट्स आ गए सिगरेट्स आ गए सिगरेट्स आ गए लिक्विडिफाइड एल एन जी आ गई ब्यूटेन uh, आ गया ये जो उसमें एफ एफ सी लेती है अदर पेट्रोलियम गैसेज आ गया तो मतलब ये वो एंट्रीज है इसमें देखो यहाँ पर एंट्रीज दी हुई है इन एंट्रीज पे बस लगा करेगा

और वो तो आ गया मीन्स मैं मैंने कहा पूछ लू कैसे अच्छा ठीक है चलो बच्चे कोई और बच्चा आया है कि नहीं आया

तो फिर करते हैं आगे शुरू ठीक है चलो सर कंटिन्यू कीजिएगा चलो सब बैठे हैं बच्चों हमाद भाई विजेश एक्टिव हो बच्चों आप लोग जी जी सर इधर ही हैं चलो ठीक है तो चलो बच्चों से रिटर्न करनी थी जरा गौर से देख लेना अभी आपके सामने मैं कर रहा हूँ सेल्स टैक्स रिटर्न सिंपल होती है सेल्स टैक्स सर्विसेज देख लिए आप लोगों ने सेल्स टैक्स डिफरेंट uh, उसकी देख ली है क्या कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न देख ली है अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न आई होप आपको नजर आ रहा होगा ये सेल्स अब यहाँ पर सिंपल वही तरीका पेज पीरियड सेलेक्ट करूंगा 2023 मैंने सेलेक्ट किया है इसकी शायद फेबर की पेंडिंग है नवंबर से जनवरी ठीक है अब जैसे ही अब ये जो क्लाइंट है इसका POS इंटीग्रेटेड है बच्चों ये POS इंटीग्रेटेड है रिटेल स्टोर है इसका ठीक है सबसे पहले अब ये मेरे आगे पेज खोल गया आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना बच्चों जिसको जहां कंफ्यूजन होगी मैं स्क्रीन बड़ी करूंगा बच्चों थोड़ा सा नजर का मसला हो जाएगा चलो खैर इतनी चल रही है चलो ये भी ठीक है चलो अच्छा यहाँ पर सब पेबल आ रहे हैं हेड वाइज पेबल एटसेक्ट्रा 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 जब पीओएस इंटीग्रेशन हुई हो बच्चों तो अभी जिसकी भी रिटर्न आ रही है वो उसका पोर्टल फॉर्मेट यही है पिछला वाला फॉर्मेट खत्म हो गया ये कहाँ से आएगी बच्चों आयरस से आएगी इनकम टैक्स करूंगा वहां पे आयरस करूंगा जैसे कि मैं दोबारा यहाँ से मैं इसको दोबारा लेके चलता हूँ बच्चों आप लोगों के आगे इनकम टैक्स पे मैंने क्लिक किया बच्चों ये एक मेरे आगे लॉग इन पासवर्ड आया इसी को खोला इसको खोलने के बाद मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ डिक्लेरेशन पे जाऊंगा यहाँ पर नीचे आ रहा है ट्वेंटी सिक्स वन की रिटर्न। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे आगे पीरियड आ जाएगा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहां से ये लो अच्छा दोबारा इसको मैं करूंगा रिफ्रेश तो वो खत्म हो गई है अब मैं दोबारा जाता हूँ बच्चों यहाँ पे इसको करता हूँ ये मेरे आगे एक रिटर्न का पेज खोल गया है यहाँ पर मैं फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा पीरियड सेलेक्ट करूंगा इस पीरियड के बाद मेरे पास आगे जितने जिस जिस महीने की रिटर्न फाइल करनी है इसकी क्लाइंट की फरवरी की फाइल नहीं भी हुई तो मैंने फरवरी का खोल लिया बच्चों अब यहाँ पर आगे क्या करना है बच्चों यहाँ पर एक, एक सबके लिए सबके लिए यही फॉर्मेट है ठीक है सबसे पहले ठीक है यहाँ पर मैंने लोड भी कर सकता हूं अटैच भी कर सकता हूं एड भी कर सकता हूं तो क्योंकि ये क्लाइंट जो है इसका पीओएस इंटीग्रेशन हुई हुई है तो मैं इधर जस्ट डायरेक्ट लोड सारी डालता हूं तो वो ऑटोमेटिकली खुद की खुद सारा कुछ उठा लेता है इस क्लाइंट की मैं अगर दोबारा से बात करूं तो इसका एक सेल्स लेजर बना हुआ होता है एम सिस्टम के अंदर इधर गया आ गया इसका भी सेल्स लेजर बना हुआ है बच्चों ठीक है ये आगे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन आ गई इसकी अब ये सारी बच्चे आप अगर देखो कि सेल्स टेम्पलेट आ गया मेरे पास में यहीं से डाउनलोड सारा कुछ कर सकता हूँ जितना भी डाउनलोड करना है बट अगर आप देखो बच्चों मेरे लॉगिन के ऊपर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ रही है मैंने जितनी भी सेल्स की है जितनी भी परचेजेस की हैं बच्चों सारी की सारी आ चुकी हैं एक मिनट यार उस्मान का मैसेज आ गया अच्छा ये बच्चों जितने भी है सब बायर नेम हातिम सुपर मार्केट ने इन इन वेंडर से परचेजेस की हुई है ठीक है बच्चों ये सारी परचेजेस आ गई है मेरे पास मेरे पोर्टल पे ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आ जाता है मैं इधर से एक्सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्लाइंट का ऑटोमेटिकली मेरे पास सारा जितना भी लेजर है वो आ चुका होता है तो ये मेरे पास डाउनलोड होके सारा कुछ मेरे पास ऑलरेडी डेटा आ चुका है इस क्लाइंट का ठीक है अगर अगर मैं इसको करूं या आप लोग देखते रहना बच्चों इस ये है परचेज इनवाइस अगर मैं करता हूं सेल्स इनवाइस तो मेरी जो सेल्स है इतने बंदों को मैंने सेल्स की है ये वाले बंदे जो हैं जो के अगर रजिस्टर्ड है बाकी सारे अनरजिस्टर्ड जिस ये अनरजिस्टर्ड आ गई ठीक है तो ये सब इन क्लाइंट्स को मैंने सेल की हुई है ठीक है तो ये मेरे पास और क्योंकि ये पीओएस इनवाइस है पीओएस इनवाइस वो इनवाइस होती है जो कि सिस्टम पे ऑलरेडी उनकी पंच हो रही होती है तो ये मेरे पास डेटा सारा ऑटोमेटिकली खुद बखुद आ रहा होता है मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ मुझे इसकी ना भी यूज करना हो तो मैंने कहाँ जाना है बच्चों मैंने सिंपल अपनी उसी रेक्सर सी में जाना है अब मैंने क्योंकि लोड कर लिया है तो ये सारी वही की वही जैसे कि ये आ गया मैं इसको हंड्रेड करता हूं तो ये सारे वही बंदे जो हैं उनकी ऑटोमेटिकली खुद खुद ये उठा रहे हैं और इसी पीरियड की उठा रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं होगा अगर पीओएस है पीओएस नहीं है तो लेजर फिर भी आपका एक तरह से बन रहा होगा अगर एफ में इंफॉर्मेशन जा रही है तो नहीं जा रही तो आपको पता है आपने कितनी सेल्स की है वो सेल्स की इंफॉर्मेशन उसी नेक्स्ट सी में डालो तो इस सेल्स रिटर्न करना सबसे बड़ा मसला ये है ये जो बार बार खराब हो जाता है पोर्टल खराब हो जाता है सो so, मेरी जो सारी परचेजेस हैं जो सेल्स थी वो सारी इस पोर्टल पे आ चुकी है बच्चों तो अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सबमिट करूंगा मैंने लोड क्रेडिट नोट करने हैं मैं यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करूंगा पीरियड में अगर कोई आ रही है तो उसके हिसाब से मैं लेट से कोई भी कर लेता हूं तो ये जैसे मैं फ्रॉम डेट आ गया जनवरी से लेके मैं फेबररी तक यहाँ पे करता हूँ ट्वेंटी एट तक इस सर्च करूंगा बच्चों ये सारे के सारे आए हैं इसको मैं क्लेम कर सकता हूं मैं नहीं भी कर सकता मैं फिलहाल क्लेम नहीं कर रहा फिलहाल इनको ठीक है मैंने काम सबसे बड़ा क्या है मैंने है मैंने सबमिट करना सबसे अहम चीज सेल्स टैक्स रिटर्न में ये होती है कि आप लोगों ने अपना एनेक्श सी जो होता है वो सबमिट करना होता है दस फरवरी दस हर महीने की दस तारीख से पहले पहले जब मैं अनेक्शर सी सबमिट कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली अगली पार्टी का अनेक्शर ए बन जाता है जब वो अनेक्शर ए बनता है तो हमारे पास वो हो जाता है कि अगले हमारे रिकॉर्ड में आना शुरू हो जाता है अब बच्चे इसमें कुछ आइटम समझने की जरूरत है आप लोगों ने थर्ड शेड्यूल आइटम पढ़ा था ये लिखा हुआ है फिजिकल ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कुछ इस मोस्टली पे थर्ड शेड्यूल आ रहा होगा ठीक है ये सारी फिजिकल ट्रांजेक्शन होता तो वो ये लिख देता है तो थर्ड शेड्यूल की आइटम पे बच्चों सेल्स टैक्स जितना भी है वो सेम एक तरह से डील हो रहा होता है तो नाइन्टी आपको अलाउ होने के बाद रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं होता उतने ही मार्जिन से चल रहा होता है तो ये सबसे पहले सेल्स डेबिट नोट मैंने किया इसके बाद मैंने इसको सबमिट कर देना है जब मैं सबमिट कर दूंगा तो अगला जो बंदा है लेट्स से कि मैं अगर यहां पर बात करता हूं चाइना टाउन एंटरप्राइजेस की तो चाइना टाउन एंटरप्राइजेस के एनेक्शर ए में फॉर द मंथ ऑफ जिसे कह लो कि फर ये अनेक्शर ए में बन के आ जाएगा सर ये वाली चीज एक बार दोबारा समझिएगा कौन से वाली बच्चे सर ये जो अभी आपने बताई है अच्छा बच्चे तो या या वो उसकी ये बन जाती है ये कौन बच्चा मुझसे पूछ रहा है पहले मुझे बच्चे का बताओ हमार हामिद अच्छा हामिद रियाज हामिद बच्चे थोड़े से जो पिछले सेशन रह गए हैं ना वो बच्चे जरूर लेना ठीक है और मैं आपको समझा देता हूँ इसमें यह होता है बच्चों के शुरू में जब भी आपने किसी सेल करते हो तो सेल पे टैक्स जो होता है वो पता है बच्चे कौन सा होता है सेल टैक्स को क्या कहते हैं जब सेल करते हो तो टैक्स जो होता तो है उसका क्या नाम है वो जीएसटी टैक्स लगता हैं उसपे कोई और बच्चा बताएगा जब आप सेल रिकॉर्ड करते हो तो टैक्स जो होता है उस पर सेल पे टैक्स को क्या कहते हैं उटपुट टैक्स ठीक है और परचेज पे पर जो टैक्स होता है उसको क्या कहते हैं ठीक हो ठीक है बच्चे याद रखना हमाद भाई जब भी आपने सेल करनी है उस पर जो टैक्स का है इसलिए कह रहा हूँ जरूर लेना आपकी क्लासेस काफी मिस हैं जब भी सेल्स करोगे उस पर जो टैक्स होगा उसको आउटपुट टैक्स कहेंगे जब भी परचेज करोगे उस पर जो टैक्स होगा उसको हम इनपुट टैक्स कहेंगे तो जो टैक्सेस आपके इस तरह के हैं आपने जब सेल किया है आउटपुट टैक्स परचेज किया है इनपुट टैक्स तो क्योंकि सेल करोगे तो किसी ना किसी ने तो परचेज करनी है ना उस चीज को तो जो परचेजर है वो जो टैक्स बेयर कर रहा होगा उसको इनपुट कहेंगे तो जब भी आपने सेल करनी है तो उसका रिकॉर्ड अगले महीने की दस तारीख से पहले पहले अपनी रिटर्न में डाल देना है अगर मैं इस क्लाइंट की बात करूं बच्चे आज 19 तारीख है और अभी तक इसका फ़रवरी का डाटा नहीं डाला उसकी रीजन यही थी कि इस क्लाइंट ने आगे वो करना है अगले जो इसकी चाइना टाउन एंटरप्राइजेस सीएफयू नुमान मसूद मैसेस कैनोली हिकमतुल्लाह काकड़ ये जितने भी पार्टीज़ आ रही हैं इनके रिकॉर्ड में एनेक्शर ए में आना चाहिए कि इन्होंने हाथम से कितना डेटा कितना गुड्स परचेस किए हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहां से पंच होके उनके रिकॉर्ड में आना शुरू हो जाएगा अगर आपका एनेक्शर ए है तो अगले का एनेक्शर सी है आपका एनेक्शर सी है तो अगले का एनेक्शर ए है तो ये इस तरह है तो आपने अपने एनेक्शर सी में जब सेल्स डाल दिए हैं आपने तो अब आप डेटा पे वापस जाओगे बच्चों आप इसको पेबल पे जाओगे यहाँ पर आप कैलकुलेट का बटन दबाओगे तो आपकी सारी की सारी सेल्स का डेटा उठ के आ गया सारी की सारी जितनी भी सेल्स हुई हैं उसने आपका टैक्स अमाउंट टैक्स पेबल बना दिया दो लाख तैतीस हजार सात सौ पचपन जमा और प्रीवियस रिटर्न जो भी आ गया पहले आ गया इसमें पीओएस की अभी नहीं पीओएस फीस है POS आपकी तो टोटल आपके अगर यहाँ पर देखो बच्चे तो टू थर्टी थ्री सेवन डबल फाइव प्लस नाइन सिक्स जीरो ने पे करना है तो ये दो लाख पचपन हजार जितना भी बन रहा है ये दो लाख पचास हजार ढाई लाख जितना भी बनता है तो ढाई लाख इस बंदे का पेबल क्रिएट हो रहा है अभी थोड़ा सा आगे हम इसको लेके चलते हैं अभी हमने डाला है कि हमने सेल्स कितनी की है आपको याद होगा कि सेल में से सेल के टैक्स में से परचेजेस का टैक्स भी तो माइनस करना है परचेजेस का टैक्स कहाँ से आएगा तो अभी हम उस पे जाते हैं तो जो भी आउटपुट माइनस इनपुट होगा तो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आती है किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चे तो मुझे बताओ मैं थोड़ा रिपीट कर दू इस इन लाइनों को कि हमारी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ नहीं नहीं सर अभी तो ठीक है समझ आ गई है इसकी अनिक हमारी सेल्स इधर एक्स लाइबिलिटी सेल्स एक्स क्या होती है बताओ सर आउटपुट माइनस इनपुट ठीक है और उस्मान भाई जी सर बताएं सर ये सेल्स एक्स लाइबिलिटी आउटपुट माइनस इनपुट है तो कितना आप इनपुट ले सकते हैं सर नाइन्टी परसेंट ले सकते हैं ना इनपुट और उसमें ये भी होता है कि जिसको आपने यानी कि जिस पर अगर आपने को टैक्स नहीं काटा था तो वो आपके एक तो एक्सपेंसेस इन एडमिसिबल हो जाते हैं अगर आपने जिन पे इनको टैक्स ना लिया हो और फिर फर्दर होता कि है कि जोन सी यानी कि रजिस्टर्ड फार्म हैं या नहीं हैं उनके ऊपर कैसे चलेगा लाइक like, अगर एक अनरजिस्टर्ड फार्म है उस, उससे ने आपको वहाँ एक की चीज़ एक की बेची है तो आप एक की चीज़ को आगे करके बेच रहे होंगे ठीक है लाइक like वो 17 परसेंट उसका टैक्स नहीं काउंट हो रहा होगा वो उसकी प्राइस ही काउंट हो रही होगी चलो ठीक हो गया तो बच्चों आउटपुट माइनस इनपुट करना है हमने तो अब हमने अनेक्सर ए पे जाना है ठीक है मैंने अनेक्सर ए पे क्लिक किया सिंपल ब्लैंक पे जा रहा है मैं कहा से जाऊंगा आगे मैं जाऊंगा लोड इन पे मैं लोड इन पे क्लिक करता हूं एक और पेज एक एक नई विंडो ओपन हो जाती है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मार्च 2022 मार्च 2022 असल में आपको याद होगा कि छ महीने तक हमारा इनपुट अलावेबल होता है लेकिन कब तक अलाउेबल होता है फरवरी की 28 तक मतलब हर महीने के एंड से पहले छ महीने तो हमारा पोर्टल है वो जितना मर्जी पहले से कर लो निकालेगा सिर्फ छह महीने ही मैं यहां पर सर्च की ऑप्शन क्लिक करूंगा सर्च की ऑप्शन पे क्लिक किया यहां पर मैंने याद रखना है एक चीज हंड्रेड तक मैंने एंट्री उठानी है पहली हंड्रेड जब मैं हंड्रेड उठाऊंगा आप लोगों की नजर में ये आ रहा है बच्चों सिक्स जीरो फाइव रिकॉर्ड सिक्स जीरो फाइव रिकॉर्ड जितने आ रहे हैं तो मतलब छ हजार छ सौ के करीब नहीं छ हजार के करीब मेरी इनवाइसिज है तकरीबन मतलब हंड्रेड 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 करके ना सारी ये आ रही है तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स भी आना शुरू हो गया बच्चों अठारह बच्चो परसेंट अठारह परसेंट जो नया रेट लगा था सो so, मैं इन हंड्रेड पे यहाँ पे क्लिक करूंगा बच्चों यहां पर मैं क्लेम कर दूंगा जब ये क्लेम करूंगा तो यहां पर आप देखो टॉप पे एक मैसेज आ गया परचेज इन वोशी लोडेड सक्सेसफुली तो अभी भी सिर्फ हंड्रेड हुई है मैं यहाँ पे देखो ये आ रहा है हंड्रेड रिकॉर्ड मेरी कितनी थी छह हजार के करीब छह सौ मतलब काफी रिकॉर्ड था तो मैं मैं अभी दोबारा लोड इन्वायसिस पे क्लिक करूंगा दोबारा से ही एक्सरसाइज करूंगा जब तक मेरा सारे का सारा इनपुट आ नहीं जाता तब तक मैं इसको पूरा डाल दूंगा जब तक ये रिकॉर्ड खत्म नहीं हो जाता मतलब अगर आप देखो तो ये यहां पर कितना आ रहा है मतलब मजीद आ रहा है रिकॉर्ड अभी आपको दिखाता हूं ये सर्च पे क्लिक करूंगा पांच और इन्वाइसिस पेंडिंग है तो मैं इन सब को फिर यहाँ पे चेक बॉक्स बनेगा एक पे क्लिक करूंगा सारे सिलेक्ट हो जाएंगे आप देखो लेफ्ट साइड पे सारे सिलेक्ट होते जा रहे हैं मैं फिर क्लेम कर लूंगा इनको फिर ये एडअप हो जाएंगी फिर मैं लोड इन वोशिज करूंगा आपके सामने अभी कितनी आ गई हैं बच्चों यहां पर देखो आपके सामने 200 अभी रिकॉर्ड आया है 200 सौ आए हैं सिर्फ अभी मुझे 400 सौ बकिया करनी है क्योंकि हजार का इकट्ठा एफबीआर नहीं उठाता हज़ार इनवासिज को तो वो सौ सौ इनवाइसिज करके हमें डालनी पड़ती हैं मैं यहाँ पे अगेन पीरियड सिलेक्ट करूंगा बच्चों ये आपके सामने हो रहा है जैसे मैं मुझे जितने मर्जी पीरियड की सिलेक्ट कर लू मतलब लेकिन छह महीने से ज्यादा होनी चाहिए और फेबररी तक क्योंकि मैं फ़रवरी की रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो इधर मैं सर्च पे क्लिक करूंगा फिर रिकॉर्ड आ गया फिर मैं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता बच्चों मैंने ये करते रहना है मैं पूरा आपके सामने इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप एक दफा देख रहे हो कहीं पे किसी को कंफ्यूजन हो बच्चों तो मुझे बता देना ये रिटर्न मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बचा के रखी हुई है लेकिन रिटर्न मैंने फाइल कर देनी थी किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा यहां पर सर एक क्वेश्चन कर लू यार क्यों ना करो क्वेश्चन एक नहीं दस क्वेश्चन करो यार क्या बात कर रहे हो क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया मैं कौन अख्तर हो जी हुक्म करो अख्तर भाई सर क्वेस्ट हुकुम हुकुम <laughs> <laughs> बोलो बच्चे सर ये हम ये एनवाइस जो हमारे एनेक्सर ए में आती है यानी जो हम लोड करते हैं तो कितने पीरियड तक के हम कर सकते हैं जैसे मेरी कुछ आठ माह पुरानी कोई इनवाइस है तो मैं कर लू कर सकता हूँ नहीं छह महीने छह महीने छह महीने तक तो अगर मेरी यानी मेरी इनवाइस तो जन्म है तो फिर मुझे क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा अगर बच्चे उसकी कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन फाइल करोगे बच्चों और कॉंडो... फिर एफबीआर आपके सिस्टम में डालता है ठीक है डिपार्टमेंट को एफ बी आर को एप्लीकेशन दो के कंसर्न जो आपका रीजनल टैक्स ऑफिस है उनको एप्लीकेशन दोगे इनवाइसिज थी ये सारा उनका स्टेटस है ये मेरे रिकॉर्ड में नहीं आ रही मैंने इनका इनपुट नहीं दे सका तो जिसकी वजह से आप मुझे अभी ये अलाउ कर दें तो मैं अपने रिकॉर्ड में डाल देता हूँ तो वो एफ बी आर अलाउ कर देता है अच्छा बच्चो ये देखो अब पांच रिकॉर्ड रह गए अब जब मैं यहाँ क्लेम करूंगा मेरे पास परचेजेस सारे का सारा आ गया है अब मैंने परचेजेस जितनी भी परचेजेस की थी वो सब की सब मेरी पोर्टल पे आ चुकी हैं। अब मैं डेटा पे जाऊंगा बच्चों यहां पर देखें एडमिजिबल क्रेडिट आया हुआ पच्चीस मिलियन मेरा आ रहा है अब मैं यहां पर कैलकुलेट की ऑप्शन करूंगा तो मेरा एडमिजिबल क्रेडिट थर्टी मिलियन हो गया है तो मैं इतना थर्टी मिलियन का मैं एडमिजिबल मेरे पास क्रेडिट बन रहा है जो कि मैं ले सकता हूं लेकिन इस पोर्टल ने मेरी टैक्स लाइबिलिटी को चेंज नहीं किया क्योंकि वो जब मैं सेल्स डालता हूं तो वो एग्जैक्ट अमाउंट इनपुट माइनस करके दे देता है तो अगर आप देखो बच्चों जस की पीओएस इंटीग्रेशन हुई हुई है उसने सिर्फ सेल्स डालनी है उसने परचेजेस डालनी है उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं डालना और उसका ऑटोमेटिक स्टॉक भी अपडेट हो जाएगा मतलब अगर मेरी इंपोर्ट्स आ रही हैं तो मैं वो सेम सर्च करूंगा यहाँ पे जी नंबर के साथ या मैं लोड जी डीज करूंगा तो मेरी लोड्स में जैसे लेट से कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज है मैं डेट डाल के हिसाब से जी नंबर डाल के हिसाब से सर्च करूंगा तो मेरे पास जी डीज आ जाएंगे अगर मैं इम्पोर्टर हुआ वो भी मैं ऐड कर लूंगा अगर मैंने एक्सपोर्ट्स की हैं तो मैं वो भी ऐड कर लूंगा सिमिलरली नेक्स्टर एच है मेरा स्टॉक काउंट जो है अगर मेरा पीओएस चल रहा है तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिक हो रहा है अगर पीओएस नहीं चल रहा तो मुझे काउंट करना पड़ता है इसी तरह ये सारे की सारी और अगर मेरा कोई आइटम फेडरल एक्साइज ड्यूटी से हिट करता है तो मैंने यहाँ पर वो सारे के सारे डाल देने हैं ठीक है तो जो जो आइटम्स हैं इसके अंदर हर बंदे की एक ट्रांजैक्शन के लिहाज से वो अपने अपने लेके चलेगा मैं इसको कैलकुलेट करता हूं बच्चों आपके सामने ये अमाउंट पेड आ रही हैं दो लाख तैतीस हजार सात सौ पचपन और सतारह हजार नौ सौ साठ अब इस जो टैक्स लाइबिलिटी है आप लोगों को बता रहा हूं इस टैक्स लाइबिलिटी को खत्म करने का एक तरीका है अगर आप होलसेलर हो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो अगर आप कुछ कंडीशंस पे उतरते हो तो एफ कहता है भाई आपने टैक्स नहीं देना सिर्फ आपने पीओएस की एक रुपया पर इनवाइस की फीस दे दी है इसका मतलब यह है कि पर इनवॉइस एक रुपया पीओ का चार्ज करता है एफ हमने पूरे इस महीने में फरवरी के महीने में सतारह हजार नौ सौ साठ इन्वाइसिस निकाली है तो मैंने हर इनवाइस का रिकॉर्ड चूंकि एफ के पास जा रहा है तो सतारह हजार में एफ जमा कराऊंगा यह मेरा कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं जमा नहीं कराऊंगा लेकिन यह वाला रिकॉर्ड जो ये टैक्स लाइबिलिटी है यह खत्म हो सकती है बच्चों गौर से देखो एट बी कुछ कंडीशंस में कहता है कि आपका हंड्रेड परसेंट इनपुट आप ले सकते हो अगर आप ये ये पार्टीज के अंदर फॉल करते हो होलसेलर हो सिल सेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो पेट्रोलियम डीलर हो थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा जितनी भी हैं ये अगर कंडीशंस होती हैं तो फिर आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है सेल सेक्स है वो आपका जीरो हो जाता है अब मैं इसको ऐड करूंगा ना जैसे ही और मैं इसको यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी है ये कम होकर 97 सेवन पर आ गई है क्योंकि मेरा कुछ इनपुट अलाउएबल नहीं था जिसकी वजह से उसने ऑटोमैटिक कैलकुलेट करके मुझे बता दिया इसके बैकड्रॉप पे वर्किंग क्या है बैकड्रॉप पे 90 परसेंट इनपुट जो मुझे अलाउएबिलिटी थी वो उसने मैनेज किया है अगर मैं आपको इधर सिंपल मैं आप से वापस नहीं जा सकता आगे आ गया हूं अब थोड़ा सा समझे बच्चों एडमिजिबल क्रेडिट इसका मतलब क्या है इसका थोड़ा सा मैं रिटर्न समझा देता हूँ एडमिजिबल क्रेडिट का मतलब बच्चों है कि पिछले कितने सालों से कितने अरसे से छ महीने छे, छे महीने हो गए हैं मेरा जो हर महीने जो इनपुट बन रहा है मैं थर्टी फाइव मिलियन का इस महीने इनपुट ले सकता था अगर मेरा एडजस्ट नहीं होता तो मैं इसको आगे रिफंड ले सकता हूं अब अब ये फॉरवर्ड कितना मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं थर्टी वन मिलियन थर्टी फाइव मिलियन से थर्टी वन मिलियन अगले हफ्ते अगले महीने के लिए मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। लेकिन उस एक्सक्लूजन को डालने की वजह से मेरा टैक्स कम होकर नाइन्टी सेवन पे आ गया और जो मेरी पीओएस की फीस है वो उतने की उतनी रहेगी वो चेंज नहीं होगी अब एक और तरफ मैं जाने लगा हूँ बच्चों आपके सवाल सारे इकट्ठे लूंगा ई डॉट एफ बी आर पे जाऊंगा मैं बच्चों ये आपके सामने इधर से लॉग इन करूंगा इसी क्लाइंट को जैसे मैंने यहाँ पर लॉग इन किया तो मेरे आगे एक नया पेज खुलता है जहां पे मैंने पेमेंट क्रिएट करनी है खुल भी नहीं रहा एंड टाइम पे ई एफ बी आर भी धोखा दे जाता है आप नेट स्लो आपको आवाज आ रही है तो बस फिर नेट स्लो नहीं है बच्चों सर वैसे मैंने ना रिफंड ले लिया सर ये जब तक चले जब तक आप हमें ये बताएं कि पीओएस इंटीग्रेशन जो है ना ये कैसे होगी ये क्या है अच्छा यार मैं साथ साथ थोड़ा खा पी रहा हूं <laughs> अच्छा बच्चों पीओएस इंटीग्रेशन ये चीज है आप लोगों के लिए समझने के लिए कि दो तरह के लोग होते हैं अच्छा ये बच्चे खुल गया अभी मैं आपको बता देता हूँ जब हमने अब वो हमारी एक पेमेंट क्रिएट हो चुकी है इस बंदे की सतारह हजार नौ सौ साठ जमा सतानबे रुपए अब मैं यहाँ पे ई पेमेंट में जाऊंगा यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट पेमेंट अगर मेरा सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स मेरा था नाइनटी सेवन रुपीज और यहां पे नीचे देखो बच्चों पीओएस पीयूएसर वन पेमेंट तो मैं पीओएस पीके आर वन पेमेंट पे क्लिक करूंगा इस पे सिलेक्ट ईयर करूंगा टैक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यहां पर पे पेमेंट मंथ करूंगा गया ये और मैं यहाँ पे दोबारा से पीयूएस पीके आर वन पेमेंट की करूंगा यहाँ पे यह सिंपल पी एस आई डी है और मारी कितनी पेमेंट आ रही थी बच्चों वन सेवन नाइन सिक्स जीरो वन सेवन नाइन सिक्स जीरो यागी यहाँ पे मैंने ईमेल डाल लूंगा चेंज करूंगा क्लाइंट की यहाँ पे मैं क्रिएट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा कंफर्म पे क्लिक करूंगा प्रिंट पे करूंगा तो ये उसका पीएस जनरेट हो गया जो वन रुपी के है सेवनटीन नाइन सिक्सटी बच्चों ठीक है ये हो गया अब मैं दोबारा जाऊंगा ई पेमेंट पे अ पेमेंट पे जाऊंगा सेल्स टैक्स तो यहां पर मैं मंथ ये सिलेक्ट करूंगा अगेन यहां पे मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा, करूंगा फ़रवरी और यहां पर मैं कर दूंगा सेल्स टैक्स जब मैं सेल्स टैक्स करूंगा तो यहां पर मेरा सेल्स टैक्स कितना बना हुआ था बच्चों आपको याद होगा नाइनटी सेवन रुपीज ये वाला तो यही मैं नाइनटी सेवन यहां पर सेल्स टैक्स में लिख दूंगा बच्चों ये देख लो फेडरल एक्साइज ड्यूटी सर्विस से, सर्विसेज जो इस्लामाबाद में पे होते हैं वो सारे यहां पर आ रहे होते हैं यहां पर मैं करूंगा नाइनटी सेवन यहां पे ईमेल डालूंगा ये उनका एक एक की एक पीएसआईडी जनरेट हो गया So, जब ये पेमेंट हो जाएगी मैं तब ही रिटर्न सबमिट कर सकता हूं ये वाली क्योंकि यहां पर पेमेंट की लिखा हुआ है जब मैं इस पेमेंट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहां पर सीपीआर ये दोनों आने चाहिए ये सीपीआर दोनों नहीं आएंगे बच्चों तो फिर तब तक रिटर्न सबमिट नहीं होगी रिटर्न तभी सबमिट हो सकती है जब टैक्स जो बनता है वो पे हो जाए अब बच्चों पहली बात अभी किसी और के कोई सवाल है तो वो मुझसे करते जाओ मैं बताता जाता हूं पहला सवाल था बच्चों आप लोगों का कि ये पीओएस क्या होता है पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि कुछ रिटेल स्टोर्स पर एक डिवाइस लगा करती है जो कि उनकी मंथली सेल को रिकॉर्ड करती है और वो डिवाइस एफबीआर की होती है डिवाइस वैसे आपकी होती है आपकी जो डिवाइस के अंदर सिम लग जाती है एफबीआर की तो जब वो सिम लगती है तो एफबीआर के सिस्टम पे ऑटोमेटिकली सेल्स का रिकॉर्ड और परचेज का रिकॉर्ड आना शुरू हो जाता है आप जो ट्रांजैक्शन करोगे सेल की या परचेज की आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू उनके पास रिकॉर्ड जाएगा आपने देखा होगा कि एक सिस्टम लगा होता है बड़े आपकी तरफ इम्तियाज होगा यहाँ पर हाथिम है इधर अगर कहीं किसी ने देखा हो मेट्रो स्टोर भी लाहौर में मेट्रो स्टोर है इस तरह बड़े बड़े स्टोर्स हैं इस तरह के ना मेट्रो हो गया अलफते हो गया इम्तियाज हो गया हातिम हो गया ये थोड़े बड़े, -बड़े स्टोरों के नाम बड़े स्टोरों के नाम है ठीक है इन स्टोरों पे अगर आप कोई चीज परचेज करके आप उस काउंटर पे जाते हो तो वो बार कोड पंच करते हैं बार कोड जब पंच करते हैं तो स्क्रीन पे एक उनका सॉफ्टवेयर खुला होता है जिसके अंदर सारा कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो आप उस जब एंटर करके वो बिल निकालता है तो बिल के नीचे लिखा होता है दिस सिस्टम इज दिस स्टोर इज पीओएस इंटीग्रेटेड तो पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेटेड नीचे एफबीआर की स्टैंप भी लगी होती है उस बिल के अंदर ऑटोमेटिकली सो so, इससे किसी का किसी भी रिटेल स्टोर का और किसी भी क्या कहते हैं आ, ना तो ना सिर्फ रिटेल स्टोर बल्कि होलसेलर और रिटेलर्स और कि, इस तरह के जितने भी स्टोर्स होते हैं उन सब की सेल और परचेज का रिकॉर्ड एफ बी आर के पास ऑन डेली बेसिस ऑन ट्रांजेक्शन बेसिस जा रहा होता है और वो सॉफ्टवेयर एफ बी आर का ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा होता है उसको तो ये जो हम सेल लेजर बना रहे हैं जो हमने निकाला है ये ऑटोमेटिकली उस पी ओ एस सिस्टम की वजह से चल रहा है बच्चे और अगर आपने देखा लैंड रिकॉर्ड तो लैंड रिकॉर्ड जो ऑटोमेटिक हो गया एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो गया उनकी ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एफ के पास जाना शुरू हो जाती है अगर आपने देखा हो किसी को नोटिस आया हो जानने वाले को कोई किसी ने अगर देखा हो तो वो नोटिस आया होता है कि आपने फलाने साल में एक गाड़ी परचेज की थी ये उस साल आपके गोशवारों में नहीं आ रही हमें रीजन बताएं कि आपके गोशवारों में क्यों नहीं आ रही तो हम उस उसपे टैक्स लगा वरना हम इसको टैक्स कर रहे हैं ठीक है सो so, जितनी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू एफ के पास जा रही होती है अब दूसरी बात पे आते हैं जिनके पास पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगा हुआ वो जो रिटर्न फाइल करते हैं रिटर्न यही है बट यहाँ एनेक्शर सी के अंदर वो यहां से जा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका डालेंगे या कुछ भी डालेंगे या यहाँ पर अटैचमेंट की ऑप्शन होती है जैसे कि मैं यहाँ पर लोड या इस तरह करूंगा क्लिक तो वो ऑटोमेटिक एक नया पेज खुलेगा नई विंडो खुलेगी वहां पर मैं डेटा डाल सकता हूँ या अटैचमेंट कर सकता हूँ परचेजेस में भी यहाँ पे जब मैं लोड इन्वाइसिस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास अटैचमेंट का टैब आ रहा होता है तो मैं अटैच कर सकता हूँ एक फाइल जिसमें सारी परचेजेस का डेटा आ रहा होता है तो उसकी रिटर्न में मैनुअल रिटर्न में और पॉइंट ऑफ सेल की रिटर्न में जरा भी फर्क नहीं है मां सिवाय एक अटैचमेंट के और वो जिसकी रिटर्न की ऑप्शन है उन पे टैक्स वही कट रहा होता है जो कि 18 परसेंट सबका आ रहा है बशर्त ये कि अगर वो ग्रोसरी स्टोर है टीयर वन रिटेलर है अगर वो टीयर वन रिटेलर है बच्चों तो उसने हर हालत में पीओएस लगवाना है अदरवाइज आपने पढ़ा है कि उसका जो इनपुट है वो सिक्सटी परसेंट हो जाएगा अलाउ होगा फोर्टी परसेंट डिस अलाउड हो जाएगा सो so, ये इस तरह से की रिटर्न फाइल की जाती है किसी को कोई इसके अलावा सवाल है बच्चों तो पूछो सर ये टीयर वन में क्या क्या क्या, क्या चीज आ जाती है यार वो टीयर वन मैंने पढ़ाया नहीं मैं आपको उसके रूल्स भेज दूंगा बच्चों ग्रुप के अंदर जिसका एक सर्टन एरिया होता है उस एरिया से ज्यादा उसके पास जगह हो जहां पर वो चीजों की खरीदो फरोख कर रहा हो जिसके पास इतने एसी लगे हो जिसके पास इतने सामान पड़ा हो जिसकी मंथली सेल इतनी हो एक, एक थ्रेश होल्ड बना हुआ है उस थ्रेश होल्ड से ऊपर जाता है तो वो टीयर वन रिटेलर है अदरवाइज वो टीयर वन रिटेलर नहीं है वो एक आम पियाना स्टोर है जिसका बिजली का बिल उसके जिसके से उसके बिजली के बिल में लग के आ रहा हो अच्छा मींस अगर वो जो थ्री थ्री शॉर्ट जो रखा है अगर वो मीट नहीं करता तो फिर वो ईयर वन में नहीं आएगा तो उसका जो बिजली का बिल है उसमें वो वो डाल देंगे हाँ, और अगर वो रिटेलर नहीं है दूसरा काम कर रहा है तो उसका मैन्युफैक्चरर है तो उसका सेल्स टैक्स मैनुअल रिटर्न से जा रहा होगा तो उसमें कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा सर ये जो मैनुअल है रिटर्न ये तो फिर मीन एक फाइल अपलोड करनी है और ये सारा जो आपने ये तो मुझे जो ऑटोमेटिक आ गया ये हमें मैनुअल डालना होगा जैसे हम इनकम टैक्स में डालते हैं बिल्कुल सही बच्चे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर ये देखो ये एक्सपोर्ट डेटा मैंने किया था जब मैंने डेटा एक्सपोर्ट किया तो ये डेटा आ गया ठीक है ये जो डेटा है इसी तरह की सेल्स की आपकी लिस्ट आ रही आपको आपका क्लाइंट देगा ठीक है बच्चों तो वो जो इन्फॉर्मेशन देगा वही आप डालोगे यहां पर मैं उसका भी फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर देता हूं जो आपने अटैचमेंट करनी है मैनुअल की और दूसरे की तो यही आप उधर डालोगे और आपकी फाइल अटैच हो जाएगी कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चे सिर्फ एक्सेल शीट है नथिंग स्पेशल एक्सेल चीट है बस जी सर इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल इनकम टैक्स रिटर्न है मतलब दस गुना या बीस गुना मुश्किल इनकम टैक्स रिटर्न है वो समझ आ गई ना तो ये कुछ भी नहीं है हेलो सर हाय सर जी सर मैंने ये यानी नेक्सर सी अपलोड की उसकी ना एक्सेल की शीट ठीक है बच्चे उसमें उन्होंने जो जो वो क्राइटेरिया दिया हुआ था वो मैंने अपलोड किया लेकिन वो होती नहीं मुझसे तो अच्छा बच्चे मैं तो मैं डाउनलोड तो हो जाता है मुझे अपनी फाइल भी भेजना ठीक है अख्तर मैं तुम्हें वो करके भेजूंगा फिर तुम अटैच करना फिर देखना कैसे अटैच नहीं होती ठीक हो गया अच्छा ना हमेशा एरर देती है एरर वो जो आ रहे थे ना वो उसने फिर वैलिडेट मैंने ना सर वैली वैलिडेट हो रही थी हाँ जी ठीक है मैं आपको सेंड करूंगा आप देखिएगा फिर ठीक है ठीक है और दूसरा कल मैंने क्लास मिस हो गई थी कल मैं सर गया हुआ था बच्चे कल तो आप लोगों की वजह से मैं क्लास ही नहीं कर सका एक बच्चा भी और सर कल मैं एफटीओ के ऑफिस में गया था माशा क्या बना चेंबर ऑफ कॉमर्स मुल्तान में सर वो तकरीब थी एफटीओ साहब आसिम महमूद जा साहब आए हुए थे वहां पे अच्छा तो उन्होंने वो चेक डिस्ट्रीब्यूटर मिशन करनी थी जो गाड़ियां थी ना वन 1000 सीसी से कम की उन पे उन्होंने एक्सेस चार्ज किया था, था हमने एफटीओ में गए हुए थे उन्होंने वो चेक जो हमें रिटर्न किए तो मैंने 38 लाख का जो है ना चेक लीए वापस माशाल्लाह माशाल्लाह गोड़िया ठीक है तो वो मैं चेक लेने के लिए इसलिए मैंने क्लास में उससे मिस हो गई मैं रात आठ बजे तो मुल्तान से वापस पहुंच जाऊंगा चलो यार गुड यार बस ये कि क्या कहते हैं वो कल हम क्लास नहीं कर सके मैंने क्या कि यार एक पीयूएस की रिटर्न समझा दूं इनको सिंपल मैनुअल भी वैसे ही है ठीक बच्चे आपने मैनुअल देखी है कोई इससे ज्यादा फर्क तो नहीं है इससे ज्यादा आपने देखी तो है। आप खुद बताओ जी जी मैंने देखी नहीं कोई ज्यादा मसला तो नहीं है उसमें या सेम यही है आप बताओ सर सेम है बस सर बस मैंने क्वेश्चन पूछना था वैसे ना हाँ हाँ जितने तो 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 बच्चों तो अब तो सेशन तो आपका है अब मैंने ये खत्म तो करनी तो है स्लाइड और मैंने अब पिछली ओरिएंटेशन पे जाना है ठीक है जो है ना फर्टिलाइजर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल हाँ। है इस पे जो हम प्रॉफिट मार्जिन या हम जो सेल शो करते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब इस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ना तीन परसेंट लगा दें तो इसमें कुछ स्पेसिफिक होता है रेट सर प्रॉफिट मार्जिन लगाने का क्या मतलब सर जैसे एक प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर है ठीक है। वो हमारा यानी नेक्स्ट ईयर में आ गई हमने उसको अब सेल किया रजिस्टर्ड पर्सन को सारी सेल होती अनरिजिस्टर्ड पर्सन को करके हमने तीन चार एंट्रीयां उनकी बना दी उसके एचएस कोड के हिसाब से एक मैंने ये क्वेश्चन सर पूछना था कि एचएस कोड के हिसाब से हम एन एक्सेल सी में शो करें प्रोडक्ट तो हाँ, तो है? को नाम बचा एचएस कोड एचएस कोड को लेके चल रहे हैं हर हालत में हाँ जी मैं तो मैं इसी के हिसाब से चल रहा हूं तो वो मुझे कह रहे थे जो हम यानी रिटर्न कर रहे हैं ना हमारी कंपनी बिजनेस की इनकम टैक्स की तो वो मुझे कह रहे हैं जनाब इसका प्रॉफिट मार्जिन आप इसमें लगवाएं वो दो परसेंट मैं तो तकरीबन तो शो कर देता हूँ किसी का वन परसेंट हिसाब से वो देख अच्छा। मतलब तो के हाँ जी, जी जी जो हम यानी एक्सेस करते हैं सेल में तो ये हम कर सकते हैं या कितना मार्जिन हम दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते वो तो मुझे कह रहे हैं कि आप ऐसे इसको बनाएं

वैसे मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो डब्बे की कीमत है उस पे सेल्स टैक्स लगेगा बिल्कुल अब अगर एग्जाम हो गया तो आपने सेल्स टैक्स की वैल्यू नहीं आएगी बीच में वैल्यू टैक्स जीरो हो जाएगी सेल वो ही, वो ही जाएगी सेल प्राइस प्राइस फिर वही वही आ सिंपल रिटेल में और uh, और दूसरा जो एक ग्रॉस वैल्यू जो भी कह लो जित जो भी इसमें वर्ड यूज होता है वो दोनों की दोनों सेम है वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दोनों सेम है जब दोनों सेम हो गई बच्चे अब आप वो आपने खरीदी कितने की थी आपकी कॉस्ट प्राइस जितनी भी थी आपका मार्जिन जितना भी बना आपने सेल तो उतने पे करे तो जब टैक्स की तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा टैक्स का फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ वो जो मार्जिन का वो इनकम टैक्स पड़ेगा उसके अंदर तो मार्जिन करो आपने उसके ऊपर आप इनकम टैक्स देना क्योंकि वो अब मार्जिन आपका इनकम बन रहा है तो वो इनकम में लेके जाओगे मतलब अब आप समझो कि आपने करोड़ रुपए की आपने बोरियां मतलब सेल की हैं आपने खरीदी कितने की थी 90 लाख रुपए की तो जो दस लाख का फर्क आया है वो आपका मार्जिन है और दस लाख पे अब आप इनकम टैक्स दोगे इस तरह चलेगा ये काम जी जी बिल्कुल ये लेकिन मैं ये जानना ये चाह रहा था कि इसका कोई स्पेसिफिक ऐसे कोई रेट तो मत रही नहीं है ना कि मैं तो ने अपनी ने मर्जी ने। से 2% प्रॉफिट मार्जिन लगा के तो मैं उसके आपकी अपनी मर्जी है जो कर देते है, है उसके हिसाब से लिखो यार जो बनता है वो डालो बात हो गए अच्छा सेल्स टेक्स रिटर्न में बच्चों आप में से किसी कोई सवाल ये सेशन देख लेना बच्चों आई होप के तो मसला होगा तो फिर बता देना ठीक है ना सेल्स टेक्स रिटर्न में मैं होंगे हाजिर आपको कोई क्वेश्चन होगा इसको हम आगे लेके चले जाएंगे अच्छा एक और को अब एक में थोड़ा सा आप लोगों को वापस रिमाइंड कराना चाहता हूं कुछ चीजों को एट द बिगनिंग हमारी ना सबसे पहले सेशन जो हुआ था ना उसमें यह था जो पहली पहली ओरिएंटेशन थी शायद जहां तक मुझे मिली है ठीक है तो बच्चो इसमें अगर मैं अब थोड़ा सा रिवाइज करूं तो हमने टैक्स स्टैचू को पढ़ना मैंने आपको बताया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बताया है बच्चे जो उसके छोटे मोटे रूल्स है वो थोड़े से बताए हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है इंडिविजुअल की ईओपी की कंपनी की एनपीओ की सारा बताया गया है टैक्सेबल इनकम आपको सारा बताया गया है आपको इन सैलरी बिजनेस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्सेस फाइनल टैक्स रिजीम ये तीनों ये सब चीजें नहीं फाइनल टैक्स रिजीम क्यों नहीं लिखा हुआ मुझे पता नहीं लेकिन एक कंसेप्ट समझाया गया एफ का अब आपको डिफरेंट सेक्शन जैसे वन ट्रिपल वन वन सी टैक्स क्रेडिट एग्जम्शन रिबेट और चार्ज पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन इम्पोर्टेंट प्रोविजन अगर किसी कोई डाउट है कि मैंने नहीं पढ़ाया तो बच्चों बोल देना कोई मसला नहीं मैं आपको अभी बता दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट क्लास रख लूंगा ठीक है लेकिन जहां तक मुझे याद है जहां तक मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है एक एक आइटम पे ठीक ठाक डिबेटेबल होके हमने वो पढ़ा है Tax matters, हमने इंपोर्ट्स जो है 149 salary, 150, uh, 151, debt, 152, uh, 153, और वन uh, फिफ्टी uh, पे है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे तो हमने सारे सेक्शंस की विद होल्डिंग को प्रॉपरली टाइम देके पढ़ा है फिर इसी तरह जो भी एग्जामिशन है प्रिंसिपल एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स कैसे करना है राइट ड्यूटीज ऑफ एजेंट वो हमने मैंने आपको समझाई इनकम टैक्स रिटर्न और विधहोल्डिंग स्टेटमेंट आपको प्रॉपरली पढ़ाई गई है अब हमने जो रिप्लाई रिकॉर्ड कैसे सबमिट करना है ऑफिसर के आगे जाना है क्या क्या जवाब देने हैं और जितने भी हमारे मैटर होते हैं जो डिपार्टमेंट के साथ होते हैं उस पर हमारी डिस्कशन जरूर हुई है हमने थोड़ा बहुत बताया कि कैसे आपने ऑडिट के मैटर में क्या-क्या जवाब देने हैं हैं जो मांगे है, उसको जवाब क्या देना है आपने फिर असेसमेंट पे हम आए थे वन ट्वेंटी तो सिंपल रिटर्न के साथ तो आ जाता है बेस्ट जजमेंट कब होती है और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब होती है ये सब बच्चों आपको पढ़ाया गया अब इसके अलावा के जो रिफंड थे सेक्शन 174, 170 और उसकी सब सेक्शन 4 आपको मैंने सारा पढ़ाया। उसका अपील प्रोसीजर हमने अपील करनी है स्टे लेना है बीच में इनके ऊपर सब हमने डिस्कशन की है ये सब बच्चों इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया अगर किसी का है बच्चों तो खुल के बोलना अब आप लोग ये ना करना कि सर हमने तो क्लासे आधी मिस कर दी हमें क्या पता हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया किसी को कोई डाउट है तो बच्चे बताओ सर डाउट तो नहीं है लेकिन चीज ये है कि हम वो चीजें जैसे जैसे करेंगे तो वो हम यूज्ड तो यूज होंगे ना सर मेरा इसमें एक है जैसे मैं मैं तो क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने तो सारी क्लास अलहमदुल्ला अटेंड की है ना ठीक है अब ये जो रिकॉर्डिंग है मैं पहली क्लास से मैंने लेना स्टार्ट कर दिए दोबारा अच्छी खासी मेरी रिवीजन भी हो रही है इसमें ठीक है ना क्लास फाइव तक मैं जा रहा हूँ तो हम सब ऐसे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारी क्लासेस हैं उसके बाद एक फाइनल क्लास हो उस पर इसको वाइंड कोई क्वेश्चन हो या वैसे भी आप अवेलेबल हैं व्हाट्सअप पे भी हैं कॉल पे भी हैं लेकिन मेरी जो सजेशन ये है कि एक फाइनल क्लास हो ये इसको ईद के बाद ईद के बाद तो उसको फिर हम आ, वैसे भी फाइंड अप है लेकिन फिर भी एक होती है ना गैदरिंग मींस बात चीज जो भी होती है तो उसको ये खत्म हो जाए सारा अच्छा चलो बच्चे उसको मैं देख लेता हूँ, एक मैं हफ्ते महीने बाद रख लेता हूँ, आप ग्रुप में डाल देना कि ये सजेशन ना अपने ग्रुप में डालना ठीक है सो तो मेरे कॉलेज वाले देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक से ना बच्चों अब मेरा ना सेशन कोई और शुरू हुआ अब ये क्या है सर रिप्लाई ऑफ नोटिस कैसे करें सिर्फ उसी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है बच्चे जो नोटिस के रिप्लाईज हैं, नोटिस का मुझे बताओगे विजेश तो मुझसे पर्सनल मैसेज कर देना मैं आपको नोटिस दे के जवाब बता दूंगा मैंने अख्तर भाई हैं अख्तर भाई अनीक भाई हैं इसके अलावा और कुछ सेशन चल रहे हैं उसमें बहुत से बच्चे मुझे पूरा दिन में ना कोई 20-25 सवाल आते हैं मैं हर रोज एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ नहीं तो एक दो दिन बाद जरूर एड्रेस कर देता हूँ तो जिस चीज का जो जो सवाल हो ना मुझे करते जाना बेफिक्र हो के जब तक मेरी सांस है ना मैं आपको जवाब करता रहूंगा टेंशन ही लेनी जहां जहां मसला है मुझे बता देना कुछ चीजें भूल गई हैं सेशन दोबारा लेना चाहो कॉलेज कॉल करना उनसे कहना कि मैंने ये सेशन पढ़ा है मैं दोबारा सेशन लेना चाहता हूँ साल बाद मुझे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट करें सेवेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट करें कॉलेज को बता दीजिएगा आपका नाम आ जाएगा बीच में ठीक है सो टेंशन नहीं लेनी ठीक है तो बस मुझे बता देना मैं वैसे आगे आप लोगों के लिए बंदोबस्त करता जाऊंगा एडवांस सेशन चल रहा था हाँ तो उसमें हमने पूछा था कि यार इसमें कुछ चार्जेस के हमें कुछ करवा दें लेकिन हमें कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं मिला अच्छा बच्चे मुझे तो मैंने तो कॉलेज वालों से कहा था कि आपको आपने कहा था तो आपको कुछ भेजा नहीं किया था कॉलेज की तरफ से मुझे कॉलेज काल, कॉलेज की तरफ से शायद कुछ भेजा गया था लेकिन उसका तो मैंने तो ये कहा था ना कि हमें कुछ कंसेशन भी करें ना <laughs>

कि इसको सेपरेट करेंगे तो जो असल में ना बच्चे मिक्स तरह के हैं मेरी फील्ड के बच्चे बहुत कम हैं मतलब हमारी फील्ड के आप खुद ही देख लो इसमें आधे बच्चे वो हैं जो पहली दफा इनकम टैक्स रिटर्न देख रहे हैं आधे बच्चे वो हैं जो रजिस्ट्रेशन पहली दफा देख रहे हैं आधे बंदे वो हैं जिन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन की है इनकम टैक्स रिटर्न देखी है बट उनको रिप्लाई शिप्लाय कुछ भी नहीं आता फिर कुछ ऐसे हैं कि वो वो उन्होंने किसी तरीके से बस यह है कि जुगाड़ लग जाए हमें नौकरी मिल जाए किसी तरीके से तो हम थोड़ा सा सेशन पढ़ लेते हैं तो ये जो इस तरह की चीजें हैं ना बच्चों अब वो हमने हर किसी को लेके चलना है हमने शुरू से लेके एंड तक हर किसी को बताना है हमने अपनी ईमानदारी से काम करना सीधी बात है अब ये बच्चों तो हाँ तो... बोलो मैं बोलो तुझे जानना चाह रहा था कि हमने प्रॉब्लम आता है देखो तो ये तो आदमी करेगा तो यूज होगा इसका वैसे तो पता नहीं चलता बच्चे आप लोग ना ग्रुप में डाल दो आप इसी ग्रुप में डाल दो मैं आप लोगों के लिए एक सेशन और निकाल लेता ठीक है कम कॉस्ट पे जिसमें सिर्फ हम रिप्लाइज अपील्स और इस तरह की चीजें लेके चलेंगे ठीक है थीक जो जो आप इस ग्रुप में डालो जो जो रिप्लाई करेगा जो जो लेना चाहता है मैं फीस ठीक ठाक कम करवा लूंगा ठीक है टेंशन ही लेनी है, आप मुझे बताना है आपने मैं बंदोबस्त करूंगा आगे से ठीक है बट ग्रुप में ना एटलीस्ट चार पांच बच्चे तो हो ना मैं जब टाइम निकालू तो मैं कुछ बच्चे सुनने तो आए ना मेरे से कि ये ना हो कि एक बंदा जिस तरह कल मुझे असल में पिछले दो तीन हफ्तों से ना मुझे इतनी शर्मिंदगी होती थी कि यार सिर्फ दो तीन बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए बाकी बच्चे नहीं। जो सर मसला ये बना पिछले दो तीन मैंने दो तीन जो है ना वीक्स

जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया सच्ची बताऊं दिल से या और बात तो पता स... क्या हाँ प्रैक्टिकली इंसान ज्यादा सीखता है प्रैक्टिकली तो वो चलता जो है ना वो स... हाँ। तो जब तो प्रैक्टिकली अब मुझे प्रैक्टिकली बताओ बच्चों मैं तो हर तरीके से अभी आपने प्रैक्टिकल जितना आपने प्रैक्टिकल देखे ना ये तो ऑडिट फर्म में भी बहुत कम दिखाया जाता है सच्ची बताऊं तो ये भी आपने थोड़ा देख लिया है हम तो बच्चों को कहते हैं परे हो जो हमने दिखाना भी नहीं है हम उनको दिखाते भी नहीं है चीजें ना काफी तो खैर अः मैं बच्चों आपको ना एक काम करता हूँ कुछ अपील्स भेज देता हूँ कुछ रिप्लाइज भेज देता हूँ हमने रिप्लाई भेजे हुए हैं आप लोग पढ़ लो ठीक है आप लोगों ने पढ़ लेना है आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है आपको लिटिगेशन का सेशन चाहिए मैं रिप्लाई भी भेजता हूँ ऑडिट का रिप्लाई भेज देता हूँ एक सौ बाईस पांचे का रिप्लाई भेज देता हूँ मतलब मैं रिप्लाई की ना इधर लगा देता हूँ तो आप लोग अपने पास ना रिकॉर्ड में रख लो ठीक है बच्चों तो फिर जिसको जहां जरूरत पड़े वो इस्तेमाल कर ले लैंग्वेज पढ़ ले बच्चे तो लॉ अपने खुद ही निकालना है क्योंकि मैंने पढ़ाने का मकसद लॉ निकालना है आगे आगे जो जो जिस जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से लॉ निकाल लो लेकिन अंडरस्टैंडिंग ले लो बच्चों आप लोग मैं रिप्लाई भिजवा देता हूँ आपको खुद ही से ठीक है ठीक है अच्छा बच्चों एक और आगे चलते हैं थोड़ा सा हम थोड़ा सा आगे ये है कि जिस तरह सेल्स टैक्स था ये वही चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं कि जो भी हमारा फेडरल प्रोविंशियल सेल्स टैक्स आपको पूरा बताया सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म क्या होता है बताया टैक्सीबिलिटी क्या है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट सिंपल होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर एक्सपोर्टर एक्सेट्रा उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है या क्या परपज था उसका एक एक्स्ट्रा टैक्स का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि एक्स्ट्रा टैक्स या फर्दर टैक्स किस पे लगता है जो कि रजिस्टर्ड नहीं होता बंदा इसी तरह स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स सर्विसेज वो पूरा मैंने आपको एक तरह से जैसे कह रहा हूं हो वही बातें हैं जो कि इसके अंदर है बस थोड़ा सा एक डिफरेंट एनोलॉजी के हिसाब से है वो सर्विसेज पे है ये गुड्स पे है इसमें विदहोल्डिंग किस तरह होनी है आपको मैंने विदह होल्डिंग रूल्स भी बताए हैं जिसने जिसको याद नहीं है इलेवंथ शेड्यूल है विदहोल्डिंग का एडजस्टमेंट कितनी होनी है आपको बताया है रिकॉर्ड कहाँ पे है वो आप लोगों को बताया कि उधर भी पड़े है आपके पास में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है तो अपील्स बचिया जितना भी सारा कुछ है वो वही है जो कि इनकम टैक्स के हिसाब से चल रहा है तो मैं आपको इसकी लाइव एग्जाम्पल सारा भेज देता हूँ तो जो भी मेरे पास पड़ा है तो मैं आपको सारा कुछ उसका भेज दूंगा तो इनशाला इनशाला आपको मसला नहीं होगा और बच्चों अगर आपने एक सेशन रखना है आफ्टर ईद उसकी भी सजेशन कर दो आप लोगों ने एडवांस लिटिगेशन देखना है पढ़ना है रिप्लाइज देखने हैं आप लोगों के पास सेट ऑफ रिप्लाइज है या मैं कोई दस दस शो कॉज नोटिस आपको दिखाऊं आप लोगों से कहूं मुझे असाइनमेंट दू कि भाई मुझे इसका रिप्लाई बना के ला के दो आप लोगों को पहले मैं चीज पढ़ाऊंगा और फिर मैं कहूंगा रिप्लाई बना के ला के दो मैं फिर रिप्लाई को रेटिंग दूंगा कि इस रिप्लाई में ये गलती है इस रिप्लाई में ये गलती है तो एक तरह से वो वो क्या जा सकता है फिर में ऑर्डर दूंगा दस डिफरेंट ऑर्डर भी दूंगा 177 का भी देना होता है एक सौ बाईस पांच का एक सौ बाईस पांच का एक सौ बाईस एक का इसके अलावा जो सेल्स टैक्स के ऑर्डर होते हैं उसके असेसमेंट्स के सर्विसेस के ऑर्डर मैं सब दे के फिर आपसे कहूँ ग्राउंड अपील बना के दो तो इस तरह हम उसको लेके चल सकते हैं तो अगर आपने लेना हुआ तो बच्चों मुझे बता देना हम उसको लेके चल लेंगे बच्चों ठीक है बच्चे अख्तर भाई और अगर अनीक भाई भी और जो भी, भी लिंग हो इसके अंदर तो फीस में इनशाला काफी कम करवा लूंगा मैं डिस्कस कर लूंगा इसके ऊपर ना तो अगर बच्चों मेरी तरफ से कोई किसी की कमी रह गई है कुछ भी रह गया तो बच्चों मैं तह दिल से माजत खाऊं आप सब से ठीक है कोई मेरे पढ़ाने में कोई कमी थी तो बच्चों मुझे अभी बताओ क्योंकि अभी पंद्रह मिनट पड़े हैं मुझे जो गलतियाँ थी मेरी मुझे बताओ ताकि मैं वो सुधार सकूँ शर्मिंदा ना करें हम तो चाहते थे कि आपसे पर्सनली मिलने कभी जो है ना वर्क... बस बच्चे मैं अब आगे उधर आऊंगा ना तो मेरे पास तुम लोगों के नंबर सेव है ठीक है मैं आपको बारी बारी कॉल करूंगा और मैं मिलने आऊंगा जरूर इनशाला जिंदगी रही तो मैं मिलूंगा आपसे बुरे वाला में आके मुझे याद है ठीक है सर मैं वो तो यार एक ही बात है यार बुरे वाला मियाँ चुनू और मैं हैबाद आऊंगा सर... अनिक भाई आपके लिए विजेश भाई आपका मुझे आ, आज तक नहीं तो पता वेलकम भी सर पताकम जब मर्जी आ आदरा हैदराबाद सर ठीक हो गया तो बस मैं इनशाला जरूर आऊंगा आप लोगों के पास जिस जिस से वेलकम सर खुशी होगी मिलेंगे इनशाला आपसे अगर मैं इस्लामाबाद आया तो आपसे जरूर मिलूंगा इन जरूर बच्चे जरूर मुझे बस बताना ठीक है ना जी 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 बच्चों कोई और कोई गलती हुई हो ना ऑनेस्टली दिल से कोई भी मसला हुआ हो मुझे नहीं सर बहुत मजा आया मैं तो देखे ना मैं तो ये रिवीजन कर रहा हूँ आपने जो पढ़ाया जिस तरीके से पढ़ाया ना तो आपने मैनुअल से सारा पढ़ाया न, से ना ऑर्डिनेंस से सॉरी सो इससे बहुत फायदा होगा ये तो अगर जो स्टूडेंट क्लास लेंगे ज्यादा ना दो तीन बार लेंगे समझेंगे आपने तो काफी डीप में अच्छा खासा ये एक हमारी कुछ गलतियां हैं कि हमने उसकी रिपोटेशन नहीं की से नहीं पड़ा। अगर पढ़ पढ़ अभी हम पढ़ रहे हैं ठीक है ना तो इस पे हमें फायदा फायदा होगा होगा बहुत ज़्यादा की बात कर रहे हैं आपने अच्छा समझाया एक आपने बता दिया किस तरीके से ये चीजें होती हैं एक दो बार हम सुनेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो इनशाला सारी चीजें हमें आ जाएंगी लेना ये आप लोगों के रिस्क का हिस्सा है आप लोग इससे रिस्क बना सकते हो मुझे खुशी होगी अगर आप इससे एक, एक एक्स्ट्रा इनकम बना सको एक आप पाकिस्तान की भलाई का काम कर सको तो मेरे ख्याल से तो बताऊ मैंने आज तक एक रुपया नहीं लिया किसी से कभी क्यों सर जो भी आता है वो मैंने जाने वाला होता है तो तुझे किसने का मियाँ चुन्नू मेरा है <laughs> सर मैंने तकरीबन दो बंदों से फीस ली है वो किसी दोस्त ने मुझे रेफर किया था इसके अलावा जो भी मेरे जानने वाले थे ना मैंने सबको फ्री फंड में करके दिया किसी एक बंदे से भी पैसे नहीं लिए बाकी ये दो एक दोस्त ने दो रेफर किए तो पैसे उसी ने लिए मुझे शर्म आती है पैसे लेते हुए तो मैंने जितने भी दोस्त थे सबके फ्री फंड में अपने कस्टमर्स थे बैंक के

लेकिन बच्चों मैंने ना उन्होंने मुझे फीस कहा मैंने कहा भाई फीस नहीं लेनी मैंने अभी तुमसे जब काम आएगा ना अच्छा सा तब मैं लूंगा फीस और जब मैं फीस लूंगा तो मैं चीखें जरूर निकलवाता हूँ अगलों की <laughs> मतलब <laughs> यार मतलब चार पांच हजार में मुझसे काम नहीं होता सीधी बात होता हूँ मतलब कम अज कम जो पैसा हो ना तो ठीक पैसा हो किसी का काम करने का दिल भी करता है और अगर इस तरह तो छोटे छोटे काम होते हैं यार अगले की हेल्प कर दो एहसान कर दो बजाय इसके कि आप उसके पैसे भी लो और वो पैसों में बुरा भी समझे उसका दिल भी ना करे देने का उससे फीस लेने का मजा ही नहीं आता तो मैं इस तरह फीस ले ही नहीं सकता तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों जहां पे थोड़ा गरीब हो नॉर्मल बंदा हो एवरेज बंदा हो मुफ्त कर दो पैसों की बात ना करो जहां जहां थोड़ा सा भी वीर बंदा हो तो अपने याद रखो पैसे बताने हैं मंड के बताने हैं याद रखो पैसे बताने हैं मंड के बताने हैं और जितना मतलब सोच सकते हो ना जैसे कि तुम सोच सकते हो कि एक क्लाइंट से मैं इस क्लाइंट से मैं अगर लाख रुपए लूंगा ना तो मैं अपनी जो रोजी है हलाल करूंगा मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूं उससे तुम दो लाख मांगोगे तुम्हें दो लाख भी देगा वो ठीक है तुम्हारी सोच लाख रुपए है वो तुम्हें दो लाख भी देगा अगर तुम काम करते हो उसका सही तो ये हमारी अप्रोच हमारी अप्रोच का मसला है तो ये में रख लो जो तुम लोगों को मैंने पढ़ा है पढ़ाया है। बच्चों मैं कसम खाए कहता हूं मैं मतलब रोटी छोटी साथ खा रहा हूं जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है इतना मैंने अपनी ऑडिट फर्म में किसी को नहीं पढ़ाया ईमानदारी से बता रहा दूसरी बात मैंने इतना इतना जिससे कह लो कि अगर तुम ये यही समझ आ जाए यही समझ आ जाए तो बच्चों सालाना तुम हर महीने लाख रुपए कहीं नहीं गया तुम्हारा कमाने का इसकी बुनियाद पे तुम कमा सकते हो चाहे अंधा गुड्डा काम भी करो लेकिन लेक्चर ले लो सही तरीके से समझ लो अच्छे से जहां कंफ्यूजन मुझसे पूछ लो लाख रुपए महीने का ये तुम्हें आके रहेगा ना आया तो मेरा नाम बदल देना बस थोड़ी सी मेहनत ये याद रखना सर सही करता, करता है तो नहीं, नहीं बच्चों और बस पढ़ लो बच्चों अच्छे तरीके से इनशाला आगे आसानी होगी मेरे पास सबके नंबर सेव है विजय कुमार भाई का नंबर मेरे पास सेव नहीं है क्योंकि पता नहीं उन्होंने व्हाट्सएप पे क्या लिखा हुआ है मुझे तो समझ ही नहीं है नहीं विजय का भी सेव है मेरे पास विजेश का भी सेव है सर ये

जी जी ठीक है ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा उसका भी मैंने एक दो बंदे से बात की है इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए ना इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए तो मेरे पास चीजें होगी तो इनको आराम से प्रोवाइड करके इसमें नाम डालवा दूं ठीक हो गया ठीक हो गया बच्चों चलो बच्चों आपका बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत मुझे बहुत कम मिली है जितनी आप लोगों ने दी है बहुत इज्जत दी है यार अख्तर भाई, भाई विजेश भाई आप आए हो आज मुझे बहुत अच्छा लगा तो बस मेरी तरफ से मैं खत्म करता हूँ बच्चों आ, मुझे मुझसे ना में जरूर रहना अनीक अख्तर विजेश और जो जो सुन रहे मुझसे बहुत खुशी होगी मुझे ना सच में आपका सर बहुत शुक्रिया विजेश तू बोलता भी है सच में

मैं सेशन को एंड कर रहा हूं बस दुआ करिए सर दुआ करें ठीक है हां हां जी मरी दुआ करें ना अच्छा वैसे मैं दुआ यही कर रहा हूं कि वो दिल से दुआ निकलती है यार कि बस जो सेशन आप लोगों ने पढ़ा है वो समझ आ जाए और इस पे आप अमल कर लो ये आपके लिए इतना आसान हो जाए कि ये आपका सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाए और ऐसा काम करो कि दुनिया को पता चले कि यहाँ के, के लॉयर्स या यहाँ के जो टैक्स के प्रैक्टिस उनकी अंडरस्टैंडिंग बहरहाल बाकी दुआया मेरी इनशाला हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी बच्चों मुझे आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी मुझे बहुत खुशी है सच में ठीक है चलो बच्चों इनशाला बंद करने का दिल नहीं कर रहा लेकिन बंद मैं करूंगा क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं होता ठीक है बच्चों चलो ठीक है ओके बच्चों अल्लाह वालेकुम